नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवैज। इस बुलेटिन में आज बात होगी नए साल पर पीएम मोदी के पहले इंटरव्यू की, रफाल पर कांग्रेस के आक्रामक तेवर की, जानेंगे कि मायावती के आगे क्यों झुकी कांग्रेस, तेज प्रताप की कैसे बढ़ी ताकत, और आखिर में बात भगोड़े कर्ज धारकों से निपटने के लिए हाईकोर्ट के सुझाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम की रैलियों का मेगा प्लान आया सामने, 3 जनवरी से 20 राज्यों में करेंगे 100 रैलियां। मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ ने फिर बदला पूर्व सीएम शिवराज का फैसला, महीने की 1 तारीख को मंत्रालय में गाए जाने वाले वंदे मातरम पर लगाई रोक, शिवराज सरकार ने शुरू की थी परंपरा। हवाई कंपनियों को मिली बड़ी राहत, सस्ता हुआ हवाई ईंधन, सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने की 14% की कटौती। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना की विरोधियों को नसीहत, कहा भारत में 2 सीटें जीतने वाली पार्टी भी बना सकती है सरकार, जनता के फैसले को सकारात्मक रूप से लें। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 186 अंकों की बढ़त के साथ 36,255 पर पहुंचा, निफ्टी 48 अंकों की बढ़त के साथ 10,910 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो कई मंचों से विरोधियों पर बरसते आए हैं, लेकिन आज नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक न्यूज एजेंसी से खास बात की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, आरबीआई समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, साथ ही महागठबंधन और गांधी परिवार पर जबरदस्त प्रहार किया। पिछले काफी वक्त से हिंदुवादी संगठन और साधु संत समाज राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है। सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर मंदिर कब बनवाएंगे, यदि मामला कोर्ट में फंस रहा है तो सरकार अध्यादेश लेकर आए लेकिन मंदिर जरूर बनाए। इस सवाल का जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संविधान के तहत ही मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के बाद ही अध्यादेश पर विचार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ही मंदिर की राह में रोड़ा अटका रही है। इस दौरान मोदी ने नोटबंदी को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए नोटबंदी कोई झटका नहीं था, क्योंकि हमने इसे लेकर पहले ही आगाह कर दिया था। साथ ही उन्होंने आरबीआई की स्वायत्तता पर भी अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि आरबीआई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, रिजर्व बैंक पूरी तरह से स्वतंत्र है। मोदी ने कहा कि पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था, सरकार के दबाव में उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि पटेल पिछले 6-7 महीने से इस्तीफा देना चाहते थे। इस इंटरव्यू में पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी विरोधियों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक को गलत बताते हैं वो सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके बड़ा खतरा लिया, हमें जवानों की जान की फिक्र थी। मोदी ने कहा कि एक लड़ाई से पाकिस्तान नहीं सुधर सकता, 2019 का चुनाव सिर पर है, तो ऐसे में भला पीएम मोदी कांग्रेस और महागठबंधन पर कैसे न बरसते। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 4 पीढ़ियों तक देश पर राज करने वाला गांधी परिवार आज बेल पर है, वित्तीय अनियमितता करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। पीएम मोदी ने दावा किया कि मोदी मैजिक जारी है, जिसे महागठबंधन भी समझ रहा है, इसीलिए वो लोगों को जोड़ने के लिए बातें बना रहा है। पीएम ने कहा कि लोकसभा का चुनाव देश की जनता बनाम महागठबंधन होगा, जिसे सभी देखेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो पीएम मोदी ने तमाम सवालों के जवाब देकर आगामी चुनाव के लिए अभी से हल्ला बोल दिया, जिस पर विपक्ष का बिफरना तय है। वैसे विपक्ष इस वक्त रफाल के मुद्दे पर भी संसद में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने बीजेपी के उस चुनौती को स्वीकार कर लिया है, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस को रफाल के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी थी। रफाल के मुद्दे पर मोदी सरकार भले ही कोर्ट से क्लीन चिट मिलने पर आश्वस्त हो, लेकिन विपक्ष के सुर इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाले, बल्कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब तो सुर और मुखर होने वाले हैं। कल इन्हीं विरोधी सुरों से संसद भी गूंजेगी, क्योंकि लोकसभा में रफाल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने होंगे। बीजेपी को रफाल के मुद्दे पर घेरने वाली कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की खुली बहस की चुनौती स्वीकार कर ली है। कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेटली जी ने चुनौती दी है, हम 2 जनवरी यानी बुधवार को बहस के लिए तैयार हैं। आप समय तय कर लीजिए। कांग्रेस नेता के इस बयान से साफ है कि कल सदन हंगामेदार रहने वाला है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है, कांग्रेस लगातार रफाल के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रही है। इसे लेकर संसद में कई बार हंगामा भी हो चुका है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर रफाल को हथियार बनाकर बीजेपी को घेरने में लगे हैं। उन्होंने तो इसे लेकर चौकीदार को चोर तक बता दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि इस डील के जरिए पीएम मोदी अपने उद्योगपति दोस्त अनिल अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। राहुल के इन्हीं आरोपों को लेकर अक्सर राजनीति गरमाती है, लेकिन अब कल सदन भी सुलगने वाला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।
कांग्रेस ने चुनौती स्वीकार कर तल्ख तेवर दिखा दिए हैं। कांग्रेस ने दिखा दिया है कि वो इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठने वाली। साथ ही पार्टी ने यह भी बता दिया कि वो अपनी परंपरागत सीट अमेठी को भी अपने हाथ से नहीं निकलने देगी। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, अपने गढ़ अमेठी को बीजेपी की सेंधमारी से बचाने के लिए राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे हैं। 4 जनवरी को वो अमेठी से अपने मिशन 2019 की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होना तय माना जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प जंग अमेठी में छिड़ेगी, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष अपने गढ़ को बचाने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी अपने दशकों के सूखे को खत्म करने की कोशिश में लगी है। इस जोर आजमाइश में 4 जनवरी को अमेठी में जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी, जहां राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने होंगे। अमेठी में 4 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा है। उनके इस 2 दिवसीय दौरे के समय ही केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रही हैं। दोनों के एक ही समय अमेठी में होने पर सियासत गर्मा सकती है। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत संसदीय सीट रही है। बीजेपी इस संसदीय सीट को लेकर लगातार अपनी सक्रियता दिखा रही है। पिछली बार स्मृति ईरानी ने यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो राहुल गांधी के आगे टिक नहीं पाई। हार के बाद से वो लगातार इस सीट पर सक्रियता दिखा रही है। पिछले 15 दिनों में स्मृति ईरानी का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले वह अमेठी को 77 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दे चुकी है। अमेठी को अपने कब्जे में करने की बीजेपी की इस कोशिश को नाकाम करने के लिए राहुल गांधी भी अपने दौरे तेज करेंगे। कांग्रेस नेता चंद्रकांत दुबे ने बताया कि राहुल यहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जहां राहुल रफाल को मुद्दा बना सकते हैं, तो वही स्मृति अगस्ता को लेकर वार कर सकती हैं। दोनों नेताओं के दौरे से पहले ही माहौल गर्म है। अब देखना होगा कि जब दोनों नेता आमने सामने होंगे तो राजनीतिक पारा कहां तक पहुंचता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अमेठी में मुकाबला कांटे का है, जिसे बचाए रखने के लिए कांग्रेस एक के बाद एक रणनीति बना रही है। वैसे आगामी चुनाव में महागठबंधन बनाने के लिए भी पार्टी लगातार कोशिशों में जुटी है। मोदी सरकार से मुकाबला करने के लिए महागठबंधन कितना जरूरी है, इस बात को कांग्रेस बखूबी जानती है। शायद इसीलिए पार्टी ने अब मायावती की शर्त भी मान ली है। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने 2 अप्रैल 2018 को SC/ST वर्गों के लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे दायर किए थे, वो उन्हें वापस ले। उन्होंने कहा था कि अगर नई सरकारें केस वापस नहीं लेती तो बीएसपी कांग्रेस से समर्थन वापस ले लेगी। साथ ही मायावती ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बनी कांग्रेस सरकारों को किसानों और बेरोजगारों से वादा खिलाफी न करने की नसीहत भी दी थी और मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला था। बीएसपी के आंख दिखाने के एक दिन बाद ही अब कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार ने सहयोगी बहुजन समाज पार्टी के सामने झुकते हुए उनकी मांगों को मानने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार ने राज्य के सभी राजनीतिक मुकदमे हटा लेने का ऐलान किया है। राज्य सरकार में गृह मंत्री PC शर्मा ने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश में राजनीतिक द्वेष से दर्ज किए गए केसों को तुरंत वापस लेगी। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने 3 बड़े राज्यों में चुनाव जीता है, जिसमें छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में वह बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गई। इसलिए कांग्रेस को दोनों ही स्थानों पर बीएसपी के समर्थन की जरूरत पड़ी। बीएसपी अभी समर्थन को लेकर सख्त दिख रही है। बीएसपी के मुखर स्वरों को शांत करने के लिए कांग्रेस ने यह बड़ा कदम उठाया है, जिसे उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के लिहाज से लिए फैसले के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि महागठबंधन में बीएसपी और एसपी का साथ कितना जरूरी है। यही वजह है कि पिछले दिनों यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा था कि वो अखिलेश को मना लेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लिए अखिलेश, मायावती समेत सभी के विरोधी स्वरों को शांत कराने में जुटी है, ताकि आगे की राह आसान बनाई जा सके। ऐसे ही गोवा में बीजेपी सरकार की मुश्किलें कम करने के लिए आज CM मनोहर पर्रिकर भी बीमारी की हालत में अपने कार्यालय पहुंचे और विरोधियों को जवाब दिया। गंभीर बीमारी से जूझ रहे गोवा के CM मनोहर पर्रिकर का ज्यादातर समय अस्पताल और घर पर ही बीता है। एम्स से छुट्टी मिलने के बाद से तो वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन से लगभग दूरी सी बना ली है। इसे लेकर राज्य में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला भी बोल रखा है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच आज नए साल की शुरुआत में पर्रिकर अपने ऑफिस पहुंचे। ताज़ा तस्वीरों में भी मनोहर पर्रिकर बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। उन्हें सहारा देकर सचिवालय में लाया गया। आज भी उनकी नाक में ड्रिप लगी हुई थी। पर्रिकर सुबह 10:45 पर सचिवालय पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात की और जरूरी बैठकें करते हुए काम निपटाया। इससे पहले पर्रिकर अगस्त 2018 में कार्यालय गए थे। पर्रिकर ने पिछले दिनों गोवा में बन रहे 2 पुलों का निरीक्षण किया था। 14 अक्टूबर को एम्स से छुट्टी मिलने के बाद पहली बार पर्रिकर सार्वजनिक जीवन में नजर आए थे। तब पर्रिकर ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में NIT गोवा के स्थायी कैंपस का शिलान्यास किया था। उस समय भी उनकी नाक में ड्रिप लगी हुई थी।
ड्रिप लगी उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जहां बीमारी से लड़ रहे परिकर की तारीफ हुई थी, तो वहीं एक धड़ा ऐसा भी था जो बीजेपी को घेर रहा था। परिकर की बीमारी के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल रखा है। गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने आरोप लगाया है कि गोवा के दो कैबिनेट मंत्रियों फ्रांसिसी डिसूजा और पांडुरंग मडकईकर को खराब स्वास्थ्य के नाम पर हटाया जा सकता है, लेकिन सीएम इतने लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, फिर भी बीजेपी उन्हें हटाने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गोवा के सीएम पद से परिकर को नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं परिकर रफाल घोटाले की गोपनीय सूचनाओं का खुलासा न कर दे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। गोवा में जहां सीएम बीजेपी की ताकत दिखा रहे हैं, तो वहीं बिहार में मां का साथ मिलने से बेटे तेज प्रताप की ताकत भी बढ़ गई है। तेज प्रताप कई दिनों बाद आज अपने घर पहुंचे और मां राबड़ी देवी से मुलाकात की। इसके बाद तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया कि राबड़ी देवी उनकी लड़ाई में उनके साथ है। क्या तेज प्रताप को मिल गया है माँ का साथ? क्या तलाक के फैसले पर माँ राबड़ी ने भी लगा दी है मोहर? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आरजेडी नेता तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ माँ है। दरअसल तेज प्रताप आज करीब 1.5 महीने बाद अपनी माँ राबड़ी देवी से मिलने तेजस्वी के घर पहुँचे थे, जहाँ माँ ने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाया और पूरा लाड दिखाया। घर से निकलने के बाद ही तेज प्रताप ने कहा, माँ मेरी लड़ाई में मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को तलाक के मामले में अगली सुनवाई है और माँ ने कहा है कि वो मेरे साथ है। आपको बता दें कि जब से तेज प्रताप ने तलाक का फैसला लिया था, उनका पूरा परिवार इस फैसले से नाराज है। खासतौर पर माँ राबड़ी देवी ने तो इस फैसले की जमकर मुखालफत की थी और बहू के समर्थन में उतर आई थी, जिसके बाद बेटे तेज प्रताप ने घर छोड़ने का फैसला लिया था और अब वे अपने परिवार से अलग रह रहे हैं। लेकिन आज नए साल पर जब वो माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचे तो माँ का दिल पसीज गया। वहीं माँ से मिलने के बाद तेज प्रताप ने भी ये साफ कर दिया कि वो ऐश्वर्या से तलाक लेने के अपने फैसले पर अड़िग हैं। उन्होंने कहा है कि ऐश्वर्या और उसके परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने तो ऐश्वर्या के परिवार पर उनके पीछे CID लगवाने का आरोप भी लगाया। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात भगोड़े कर्जधारकों से निपटने के लिए हाईकोर्ट के सुझाव की। लोन लेकर देश छोड़कर भागने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे बैंकों का NPA भी बढ़ रहा है। ऐसे मामलों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने चिंता जताई है, साथ ही इसे निपटने के लिए केंद्र सरकार को जरूरी कदम उठाने के साथ साथ एक अहम सलाह भी दी है। शराब कारोबारी विजय माल्या, PNB घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, और ना जाने ऐसे कितने और नाम हैं जो देश को हजारों करोड़ का चूना लगाकर देश छोड़कर फरार हो गए। ऐसे भगोड़ों को भारत लाने के लिए सरकार और जांच एजेंसियां पूरा जोर तो लगा रही है, लेकिन सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। इसीलिए देश का पैसा लेकर भागने का प्लान बनाने वालों से निपटने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्ज धारकों के पासपोर्ट जमा कराने का सुझाव दिया है। जस्टिस एस वैद्यनाथन ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को पासपोर्ट नियमों में जरूरी संशोधन करने चाहिए, ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ये ताकत मिल सके कि वे लोन लेने वाले के पासपोर्ट जमा करा सके। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि लोन भरने तक पासपोर्ट न सौंपा जाए, और ऐसा न करने की स्थिति में पासपोर्ट को अस्थायी तौर पर कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। यही नहीं, जस्टिस ने कहा कि पासपोर्ट के रिन्यू कराने को लेकर भी बैंकों की मंजूरी जरूरी की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा न कर लोन डिफॉल्टर्स के देश छोड़कर भागने पर रोक लगाई जा सकेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।